हेलो भाई, मैं अंकित। आज तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं भाई सेल्स वाली सीरीज। इस सीरीज में अपन डे बाय डे हर कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स फिगर जानेंगे, साथ ही पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे। पहले दिन जान लेते हैं भाई हीरो मोटोकॉर्प की। ये चहेती कंपनी है अपनी, आप सभी अच्छे से जानते हैं भाई। हीरो मोटोकॉर्प टोटल 11 से 12 मॉडल को इंडियन मार्केट में बेच रहा है। वैसे तो इनके पास दुनिया भर का मॉडल है, लेकिन वो डिसकंटिन्यू कर चुके हैं इंडिया से। 9th नंबर पे आई है मेस्ट्रो इड्ज। जून के महीने में इस गाड़ी की 2937 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। पिछले महीने मई की बात करते हो तो 4489 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 1552 गाड़ियां कम बिकी है मेस्ट्रो इड्ज की। अब हीरो मोटोकॉर्प ने सोचा था भाई इसको अपडेट करके लॉन्च करेंगे तो अच्छा खासा बिकेगी, साथ ही कॉम्पिटिटर से कम्पिटिट भी करेगी। लेकिन देख लो भाई, 3000 का भी आंकड़ा आज के डेट में पार नहीं कर पा रही है। हालांकि इस गाड़ी में अपने को बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं भाई, इतना अच्छा अच्छा फीचर्स मिल जाता है जो आपको इस सेगमेंट में दूर दूर तक नहीं मिलती। लेकिन फिर भी भाई कहीं ना कहीं लोग बस हीरो के नाम पे इस गाड़ी को नहीं खरीदते हैं। लुक तो भाई मेरे को इस गाड़ी का एक नंबर लगता है। खैर, प्राइजेज की बात करते हो तो ये गाड़ी 90,000 रुपये से शुरू होकर 1,00,000 रुपये तक मिल जाती है। अगली 8th नंबर पे आई है एक्सट्रीम 160 आर और एक्सट्रीम 200S। दोनों गाड़ियों की कंबाइन जून के महीने में 3,806 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। मई की बात करते हो तो 4,256 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 450 गाड़ियां कम बिकी एक्सट्रीम सीरीज की। देखो भाई, इनका एक्सट्रीम 160 आर कुछ बिक भी जाता है, लेकिन एक्सट्रीम 200S उतना नहीं बिकता। हालांकि अब कंपनी ने भाई एक्सट्रीम 160 आर में बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए, जैसे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, गियर पोजीशन, मोबाइल कनेक्टिविटी, जो कमी था वो पूरा कर दिया भाई। अब भाई अपाची को भाई इग्नोर करेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम में इतना सारा फीचर्स आ गया, इसका लुक भी तगड़ा है भाई कहीं गुना अपाची से। देखो भाई, अपना अपना च्वाइस है, मेरे को एक्सट्रीम का भी हेड अच्छा लगता है, बाकी ओवरऑल गाड़ी थोड़ी अजीब अजीब सी लगती है भाई, समझ लेना। खैर, प्राइजेज की बात करते हो तो एक्सट्रीम 160 आर और एक्सट्रीम 200S लगभग आपको 1,36,000 रुपये से शुरू होकर 1,56,000 रुपये तक मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से। 7th नंबर पे आई एक्सपल्स सीरीज। इस सीरीज में अपने को तीन गाड़ियां मिल जाती है भाई, एक्सपल्स 200T, एक्सपल्स 200 और एक्सपल्स 204V। तीनों गाड़ियों की कंबाइन जून के महीने में 4,642 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। मई की बात करते हो तो 3,481 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 1,161 गाड़ियां ज्यादा बिकी एक्सपल्स सीरीज की। अब भाई एक्सपल्स सीरीज का नाम सुनते ही पता है ध्यान में क्या आता है, ऑफ रोडिंग गाड़ी, टूरिंग गाड़ी। सही है भाई, वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, इसीलिए लोग बाग याद करते हैं इस गाड़ी को। 200cc का इंजन मिल जाता है, फुल्ली फीचर्स लोडेड गाड़ी मिल जाता है, और क्या चाहिए अपने को भाई। प्राइजेज की बात करते हो तो 1,47,000 रुपये से शुरू होकर 1,60,000 रुपये तक मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से एक्सपल्स रेंज। बाकी 6th नंबर पे आई है डेस्टिनी 125। ये वही गाड़ी है भाई, कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखलाया था, इसमें एक्सटेक वेरियंट लॉन्च हुआ था, कितना प्रीमियम लग रहा था भाई देखने में। जून के महीने में इस गाड़ी की 7,731 यूनिट बिके पूरे भारत भर में। मई की बात करते हो तो 10,892 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 3,161 गाड़ियां कम बिकी हैं डेस्टिनी 125 की। मेरे को तो लगता है भाई यही एक ऐसी गाड़ी है जो कि आपको 90,000 रुपये में टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है 125cc स्कूटर का। हालांकि बेस वेरिएंट लेते हो तो वो 84,000 रुपये तक मिल जाता है। लेकिन वही बात है भाई, हीरो मोटोकॉर्प के स्कूटर पे लोग बाग उतना भरोसा नहीं करते हैं, बस इसीलिए कम बिकती है, कभी कभी ज़्यादा बिक जाती है। खैर, प्राइस तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बदला दिया, 84,000 रुपये से शुरू होकर 90,000 रुपये तक मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से। बाकी 5th नंबर पे आई है लड़कियों की पसंद प्लेजर प्लस। जून के महीने में इस गाड़ी की 11,321 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। मई की बात करती हो तो 18,531 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले जून के महीने में 7,210 गाड़ियाँ कम बिकी हैं प्लेजर प्लस की। ये गाड़ी भी भाई बहुत ही वैल्यू फॉर मनी हो जाती है, जिनको चलाने का फील नहीं चाहिए ना भाई, वो इस गाड़ी की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसमें अपने को पावर वगैरह कुछ नहीं मिलता यार, बहुत ही कम मिलता है। हालांकि इस सेगमेंट में डियो भी आता है, उससे भी इसका प्राइस बहुत ही कम है भाई, तो सोच लो कितना ये वैल्यू फॉर मनी हो जाती है, 77,000 रुपये से शुरू होकर 81,000 रुपये तक मिल जाती है मात्र। मेरे को इसका एक्सटेक वेरिएंट उतना तो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, लेकिन हाँ लुक के मामले में लेना चाहते हो तो वो बहुत ही बेटर है भाई, दूर दूर तक आपको ऐसा लुक कोई भी स्कूटर ऑफर नहीं करता। बाकी 4th नंबर पे आई है भाई पैशन प्रो और पैशन प्रो एक्सटेक। जून के महीने में इस गाड़ी की 18,560 यूनिट बिकी है भाई पूरे भारत भर में। मई की बात करते हो तो मात्र 6,847 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 11,713 गाड़ियां ज़्यादा बिकी है भाई। एक्सटेक आने से भाई देख रहे हो कितना कमाल हो गया इस गाड़ी में, इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ हर कंपनी को हर गाड़ी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपडेट करते रहना चाहिए। पैशन प्रो आपको अब दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से 85,000 रुपये से शुरू होकर 90,000 रुपये तक मिल जाती है, हालांकि पहले से भाई बहुत ही एक्सपेंसिव भी हो चुकी है। खैर भाई, एक्सपेंसिव से क्या मतलब है, गाड़ी बिक रही है ना, बस यही चाहिए अपने को। बाकी 3rd नंबर पे आई है ग्लैमर।
जून के महीने में ग्लैमर की 30,105 यूनिट बिकी है भाई। मई की बात करते हो तो 28,363 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 1742 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है ग्लैमर की, जो काफ़ी अच्छी बात है भाई। पिछले महीने हमने देखा था इसका सेल्स फिगर डाउन हो गया था, लेकिन इस महीने कुछ तो इम्प्रूव हुआ ना, अच्छा है। प्राइजेज की बात करते हो तो ग्लैमर आपको दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से 90,000 रुपये से शुरू होकर 1,03,000 रुपये तक मिल जाती है। देखो भाई, ग्लैमर एक ऐसी गाड़ी है जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है भाई। सेकंड नंबर पे आई है भाई एचएफ डिलक्स। जून के महीने में एचएफ डिलक्स की 113,155 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। मई की बात करते हो तो 127,330 यूनिट बिके थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग भाई 14,175 गाड़ियाँ कम बिकी हैं एचएफ डिलक्स की। अब भाई ऐसा कैसे हो गया मेरे को नहीं पता, लेकिन इसका 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ सेल्स फिगर इम्प्रूव हुए जा रहा था, लेकिन इस महीने देखो डाउन हो गया। एचएफ डिलक्स में भाई अपने को बहुत ही वैल्यू फॉर मनी एक वेरिएंट मिल जाता है, जिसका नाम हीरो मोटोकॉर्प ने रखा है एचएफ 100। वो आपको मात्र 65,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। बाकी टॉप एंड वेरिएंट लेते हो एचएफ डिलक्स का, जिसमें अपने को i3s मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, एलॉय मिल जाता है, उसका प्राइस 77,000 रुपये चला जाता है। तो देख लेना। फर्स्ट पोजीशन पे आई है भाई स्प्लेंडर सीरीज। इस सीरीज में 3 गाड़ियाँ मिल जाती है, सुपर स्प्लेंडर, आई स्मार्ट स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्लस। तीनों गाड़ियों के कंबाइन जून के महीने में 270,923 यूनिट बिकी है भाई पूरे भारत भर में। मई की बात करते हो तो 262,249 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 8,674 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है स्प्लेंडर सीरीज की। पिछले महीने हमने देखा था इसका सेल्स फिगर डाउन हो गया था, लेकिन चलो इस महीने 8,674 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है, समझ रहे हो भाई कितना गाड़ी ज़्यादा बिकी है। खैर भाई, स्प्लेंडर प्लस में भी एक्सटेक वेरिएंट लॉन्च हो चुका है भाई, इतना बिक्री है ना पूछो मत, रोड पे तो भाई अब वही देखने को मिल रही है हर जगह भाई। लोग बाग के पास अंधा पैसा बहुत है, बताओ फीचर्स वो यूज नहीं करेंगे लेकिन फिर भी भाई लेंगे गाड़ी को। खैर अच्छी बात है भाई। देखो एक और बात बता देता हूँ भाई, अगर आप सुपर स्प्लेंडर लेने की प्लान कर रहे हो तो इसका ब्लैक वाला एडिशन ले लो भाई, कितना मस्त लग रही है यार। कल ही तो रिव्यू वीडियो अपलोड करा है, नहीं देखा तो देख लेना जाके। जितना स्प्लेंडर बीस्ट नहीं लगती, उससे कई गुना ज़्यादा वो बीस्ट लग रही है। खैर यहाँ पे हमने हीरो मोटोकॉर्प की सारी गाड़ियों के सेल्स फिगर के बारे में जान लिया जून महीने की। बाकी मिलते हैं कल किसी और कंपनी के साथ, देखता हूँ होंडा का डाल दूंगा या फिर टीवीएस का डाल दूंगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, ख्याल रखो अपना।